such. नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे, पर उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी बधाई। देश के अलग अलग कोनों में सेना ने मनाया योग दिवस, लद्दाख में भी हुआ योगाभ्यास। 88 दिनों बाद सबसे कम कोरोना मामले आए सामने। 24 घंटों में 93,256 नए कोरोना केस। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, सरकार ने रियायतों के साथ जारी की नई गाइडलाइन। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदियां, पौड़ी में एसडीआरएफ को अलर्ट रहने की दिए गए हैं निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय पर अपने निजी स्टाफ के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो संपूर्ण विश्व में योग पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन योग नगरी ऋषिकेश में योग का प्राचीन काल से अलग ही महत्व रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि योग वस्तुतः शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। योग का उल्लेख हमारे प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। योग रहो निरोग, ये अवधारणा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब कोरोना के कार्यकाल में जो लोग योग के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, उन्होंने भी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, उसमें बिल्कुल योग में स्पष्ट है कि हम लोग योग करेंगे तो उसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से अनेकों रोगों का उपचार भी योग के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम पूरे आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर इस विधा को, हमारे जो प्राचीन विधा हमारी देश की है, उसे पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमें। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से चार धाम यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लेकिन चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी। पंजीकरण के बाद देवस्थानम बोर्ड की ओर से ई पास जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही चार धामों में दर्शन की अनुमति रहेगी। सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी 1 जुलाई से 3 जिलों में चार धाम यात्रा संचालित करने का निर्णय लिया है। कोविड नियमों का पालन करने के लिए गत वर्ष की तर्ज पर यात्रियों के लिए पंजीकरण, ई पास और कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता रहेगी। तो सरकार की तरफ से एक ये अहम निर्णय लिया गया है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड की मदद से दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड इसके लिए ई पास जारी करेगा। इसी के बाद यात्री यात्रा कर सकेंगे और दर्शन के लिए चार धामों में पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी, उससे पहले सभी भक्तों को कोविड नियमों का पालन करना होगा, साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए पंजीकरण, ई पास और कोविड नेगेटिव जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के बाद यात्रियों को यात्रा के आज्ञा दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तराखंड से जुड़ी बता रही है, जहां चार धाम के दर्शनों की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से सरकार ने यात्रा को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई से यात्री या चार धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है, साथ ही कई दिशा निर्देशों को भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि देवस्थानम की तरफ से ई पास जारी किया जाएगा। वही इस मामले में तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनोद, 1 जुलाई से
चार धाम यात्रा शुरू की जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने राज्यवासियों के लिए चरणबद्ध तरीके से चार धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया है। सरकार से चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी गई है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी मैं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने राज्यवासियों के लिए चरणबद्ध तरीके से चार धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया है और पहले चरण में 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों की सीमा में रहने वालों को ही अपने यहाँ चार धामों में दर्शन की अनुमति होगी। इन जिलों में जो लोग प्रदेश के बाहर रह रहे हैं उन्हें फिलहाल यात्रा की इजाजत नहीं होगी। और आपको ये भी बता दूं कि दूसरे चरण में 11 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों के स्थानीय नागरिकों के लिए यात्रा खोल दी जाएगी। दोनों ही चरणों में यात्रा के लिए कोरोना जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक परिस्थितियां अगर सामान्य रही तो प्रदेश से बाहर रहने वालों को और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी चारधाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां सरकार ने चारधाम यात्रा को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 136 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 206 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेजा गया। देश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,644 हो गई है। इसमें से 3,22,681 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर फिलहाल 3,136 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,035 लोगों की भी जान जा चुकी है। तो उत्तराखंड से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के केस घटते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 घंटों में 136 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ विनोद ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विनोद, इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी की स्थिति में अब तेजी से सुधार हो रहा है। कल रविवार को की बात करूं तो 136 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 30 मार्च के बाद एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो डेथ रेट की तो मौतों की संख्या में भी कमी आई है और वह अब सक्रिय मामलों का बोझ भी लगातार कम होता जा रहा है। आपको बता दूं कि अब तक उत्तराखंड में कोरोना के 3,38,644 मामले आए हैं, जिनमें 3,42,681 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर बात करें प्रदेश सरकार की तैयारियां या कोरोना से निपटने के लिए, प्रदेश में कोरोना जांच लगातार कम हो रही है। सरकार ने प्रतिदिन 40,000 सैंपल जांच करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान लक्ष्य करीब 29% जाँच कम हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं अधिकारियों को प्रतिदिन 40,000 लक्ष्य के अनुसार सैंपल जांच करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में जांच नहीं बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी गंभीर मामला है। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से एक राहत भरी खबर जहां उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 136 नए संक्रमित पाए गए हैं। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार आने के लिए नारसन बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान बॉर्डर पर तैनात तो पुलिस ने 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी। बिना टेस्ट रिपोर्ट के पहुंचे 2,000 से अधिक वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इस बीच यात्रियों की पुलिस से नोकझोंक भी देखी गई। रविवार को हरिद्वार में गंगा दशहरा और सोमवार को निर्जला एकादशी स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पहले ही बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद
बड़ी संख्या में बाहरी यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान नारसन बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग के दौरान लंबी लाइन लग गई। भीड़ का आलम यह था कि बॉर्डर पर वाहनों की करीब 1 किलोमीटर लाइन देखने को मिली। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंतजार, जिस प्रकार से गंगा दशहरा को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दिया, ऐसे में नारसन बॉर्डर से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गंगा दशहरा का पर्व हरिद्वार में मनाया गया है, तो जिला प्रशासन हरिद्वार के द्वारा SOP जारी की गई थी कि जो बॉर्डर है, जो जिले की सीमाएं हैं, सभी को सील रखा गया है और विशेष परिस्थितियों में जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट थी 24 घंटे पूर्व की, तो उन्हीं लोगों को हरिद्वार क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा था। तो इसी के चलते नारसन बॉर्डर, भगवानपुर बॉर्डर और जितने हरिद्वार के क्षेत्र जितने बॉर्डर पड़ते हैं, सभी बॉर्डरों पर जो संबंधित थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई थी कि जो भी लोग कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के आ रहे थे उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा था, अन्य सभी लोगों को वहां से वापस भेजा जा रहा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां नारसन बॉर्डर पर भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पूरी स्थिति को संभाला। उत्तराखंड में लगातार 2 दिन तक बारिश होने के बाद अब थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। बारिश भले ही बंद हो गई हो, लेकिन आवागमन अभी भी बाधित है। अधिकतर सड़कें तीसरे दिन भी नहीं खुल पाई हैं। कई जिलों में अभी तक 7 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, जबकि कुछ को आंशिक रूप से खोल दिया गया है। इसके अलावा 177 ग्रामीण सड़कों के बंद होने की वजह से गांव के संपर्क मुख्यालयों से टूट गया है। PWD, BRO और दूसरी एजेंसियों की ओर से सड़कों को खोलने की कार्यवाही की जा रही है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार चमोली जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पागल नाला रंडाग बैंड के पास मलबा आने से अवरुद्ध हो चुका है। तो उत्तराखंड में इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश में थोड़ा विराम जरूर लगा है, परंतु अभी भी लोगों के लिए मुसीबत जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि बारिश तो रुक चुकी है, परंतु कई राजमार्ग इस वक्त बंद हो चुके हैं। वहीं कई गांवों की मुख्य सड़कों से भी संपर्क टूट चुका है, जिसके बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है, परंतु अभी तक लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अल्मोड़ा के कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अल्मोड़ा में विगत दिनों भारी बारिश की वजह से लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के योग विभाग द्वारा इसका व्यवस्थित आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में योग विभाग के विभागाध्यक्ष नवीन भट्ट, उप कुलपति नरेंद्र भंडारी और परिसर निदेशक JS बिस्ट भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आज यहाँ पे विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा, विशेष करके अपना जो योग विज्ञान विभाग है, आपके द्वारा विगत 1.5 माह से लगातार इस कार्य को किया जा रहा है, क्योंकि COVID-19 की जो दूसरी वेव थी वो बड़ी एक कठिन दौर से समाज को ले जा रही थी। तो ऐसे में ये विचार किया गया कि लोगों को घर पर रहते हुए भी एक बेहतर सकारात्मक सोच दी जाए, और योग क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी मान्यता मिल गई है, उसको अपने देश में भी हम घर घर तक पहुँचाएँ, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्य किया गया। और जहाँ तक प्रश्न है कि अभी हम लोग जो विश्वविद्यालय पर, तो विश्वविद्यालय का योग है, मनोविज्ञान विभाग है, पत्रकारिता विभाग है, कुमाऊनी भाषा विज्ञान विभाग है, और इसके अतिरिक्त जैसे फिजिक्स है। विकास नगर के श्री हनुमत धाम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र द्वारा भी योगा का आयोजन किया गया। प्राकृतिक शिक्षा केंद्र के प्रभारी अमित नेगी ने बताया कि योग भारत की प्राचीन विद्या है, जो भगवान के साथ एकाकार होने की विधा है। योग जीवन जीने की एक कला है। योग जीवन जीने से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रोगों से निवृत्ति होती है। नेगी ने कहा कि भले ही संपूर्ण विश्व वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रहा हो, लेकिन भारतवर्ष में इतने अधिक जनसंख्या होने के बाद भी योग विधा को अपनाकर इस वैश्विक महामारी से लड़ने में हम सफल हो पा रहे हैं।
उत्पत्ति हमारे देश भारत से ही शुरू हुई है। आज संपूर्ण विश्व योग दिवस मना रहा है। योग से कहीं ना कहीं हमें मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति मिलती है। आइए ले चलते हैं हम आज विकास नगर के हनुमत धाम में, जहां पर पिछले 4 सालों से योगा को जो है यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां पे जो योग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जो योग हमारे देश की प्राचीन पद्धति है, यहीं से ही योग की उत्पत्ति है। उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि योग दिवस पे क्या कुछ कहेंगे योग के बारे में। सभी को प्रणाम, जो भी योग प्रेमी हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया, और मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिसने इस धरा में इस योग की जो ब्रह्म विद्या है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे महर्षि पतंजलि को मैं सत सत नमन करता हूं, और हमारे आज के आधुनिक योग के प्रणेता श्री रामदेव जी को भी मैं नमन करता हूं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की, मैं उनको भी नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज योग जो है सबसे आवश्यक तत्व हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल सभी लोग रोगों से पीड़ित हैं, और इस वैश्विक महामारी ने तो इस सारे विश्व को एक तरह से तोड़ के रख दिया है। तो अगर हम देखें तो एक योगी ऐसा अभ्यास है जो हमें इन आने वाले जो खतरे हैं उनसे हमें बचा सकता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि योग करें और अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि हम इन बाहर की जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य जो रोग हैं उनसे बचे रहें। ये बताएं सर कि जैसे योग की उत्पत्ति हमारे देश से ही शुरू हुई है, आज योग जो है विश्व का वो बन गया है एक प्रकार से, क्या कहेंगे, जैसे क्या संदेश देना चाहेंगे अभी? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे प्राचीन काल से भारत ने तो सारे विश्व को का प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि पहले जो हमारा भारत था वो सोने की चिड़िया था। वो इसलिए था कि ऐसा नहीं कि धन दौलत थी, केवल जो हमारे पास ये योग विद्या थी, हमारे पास जो ये अध्यात्म विद्या थी, उसी के कारण इसको एक ख्याति मिली हमारे भारत को। तो अब हमारे जो इस सदी में हम देखते हैं कि जो महान पुरोधा उत्पन्न हुए, महर्षि दयानंद, महर्षि विवेकानंद, और आज हम देखते हैं स्वामी रामदेव जी, महर्षि श्री श्री अरविंद जी, रविशंकर जी, तो इन्होंने योग को प्रतिष्ठित करा, और दोबारा हमारा जो देश है आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करा, और कई देश इससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को दुखी भी महसूस कर रहे हैं। सचमुच भारत ही योग की जननी रही है, और वर्तमान कोरोना काल या कोरोना मुक्ति के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखना है कि ये जो वर्तमान कोरोना काल है या योग है, इससे कितने जो है बीमारियों पे लगाम लग सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।